तो इंडियन बेस 730 के शहर में अटैक कर दिया है ग्रैंडपा ने, और आज हम लोग स्कैरी टीचर बन के ग्रैंडपा से फाइट करने वाले हैं। और ग्रैंडपा हमारे सिटी में कैसे आया और हम लोग स्कैरी टीचर कैसे बने और ग्रैंडपा और स्कैरी टीचर के फाइट में कौन जीतेगा, देखते हैं इस वीडियो में। भाई साहब फाइनली हमारे शोरूम में से सारी जी वैगन सेल हो चुकी है। अभी हमारे शोरूम में एक भी गाड़ी नहीं है फिलहाल, कल हमको गाड़ियां ऑर्डर करनी पड़ेगी अपनी शोरूम के लिए क्योंकि अपनी सारी गाड़ियां सेल हो चुकी है। तो खैर वो तो कल ऑर्डर कर देंगे गाड़ियां, बट आज ने अपना एक बहुत खतरनाक वाला प्लान है गाइस अपने दोस्तों के साथ। मी साहब मैंने और मेरे दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि आज हम लोग एक हॉन्टेड प्लेस में रुकने वाले हैं एंड वहां पे चेक करने वाले कि कुछ हॉरर सीन होता है या फिर नहीं, या फिर नाम का ही हॉन्टेड प्लेस है। क्योंकि यार गाइस समाज में फैल चुका है कि वो जगह ना पूरी की पूरी हॉन्टेड है, वहाँ पे ना कोई भी नहीं जाता, उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। आज हम लोग वही चेक करने वाले कि वो सच में एक हॉरर प्लेस है या फिर कौन सी अफवाह फैलाई है। और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं उस हॉरर प्लेस पे। यस गाइस ये जो विलेज है यही है भाई पूरी हॉरर प्लेस, और आप देख सकते हो इसके आसपास भी कोई भी नहीं घूम रहा। वहां पे गाड़ी हम लोगों ने देखी थी बट हाँ इसके आसपास भाई कोई भी नहीं घूम रहा और पूरा सुनसान हो जाता है। सुबह थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है बट हाँ रात को इसके आसपास कोई भी नहीं घूमता, देख ही सकते हो। अभी फिलहाल तो कुछ और सीन नहीं हुआ, अभी फिलहाल तो हम लोग पहुंचे ही है अभी अभी, तो देखते हैं अभी फिलहाल क्या सीन होता है। बाकी यहाँ गाइस अभी तक वो दोस्त लोग तो वगैरह नहीं आए, तो एक काम करते हैं उनको कॉल लगाते हैं, एक जगह गाड़ी रोक के रुको यहाँ पे लगाते गाड़ी, तो उनको कॉल लगाते हूँ कि कहाँ रह गए भाई, तुम तो नहीं डर गए ना। यार गाइस इनकी ना कॉल भी नहीं लग रही, मतलब भाई यहाँ पे ना नेटवर्क ही नहीं आ रहा है यार। तो एक सेकंड काम करता हूँ, थोड़ा बहुत दूर चलता हूँ यहाँ से, मतलब यहाँ पे ना कुछ अच्छा सा नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा, तो भाई कॉल भी नहीं लग रही, रुको यहाँ पे कॉल करते एक बार। ओ भाई अभी तो डायरेक्ट स्विच ऑफ बता रहा है भाई, एक सेकंड ये क्या चल रहा है, वहां पे भाई लग नहीं रही थी और अभी यहाँ पे स्विच ऑफ बता रहा है। खैर छोड़ो भाई अभी फिलहाल उनका यहाँ पे खड़े खड़े ही वेट करते हैं, अब देखते कब तक आते हैं फिलहाल, नहीं तो बाद में एक और बार कॉल लगाएंगे। A few moments later. और गाइस कब से वेट कर रहा हूँ, मतलब काफी देर हो गई बट अभी तक वो आए नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा बहुत चक्कर मार के देखता हूँ, क्या पता वो पहले ही आ चुके और हमको ढूंढ रहे हो। तो चलो गाइस हम भी थोड़ा बहुत राउंड मारते हैं, देखते हैं मिलते हैं या फिर नहीं, अगर नहीं मिले तो समझ जाओ वो आई नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं अभी घूम के, ऐसा अभी तो फिलहाल कोई भी हॉरर वगैरह सीन नहीं हुआ है। बट एक सेकंड ये हंसने की आवाज भाई, एक सेकंड ये अजीब सी आवाज कहां से आ रही है गाइस, आप ध्यान से सुनो एक बार, कुछ तो अजीब आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, बट एक सेकंड भाई अजीब अजीब आवाज कहाँ से आ रही है, यहाँ पे कोई है तो नहीं, यहाँ पे कोई आता भी नहीं है और यहाँ पे कोई है भी नहीं भाई, कोई दिख रहा भी नहीं, तो आवाज कहाँ से आ रही है। तो गाइस सर मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे, बट एक सेकंड यहाँ से ज्यादा आवाज आ रही है, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। ओ वेट एक सेकंड, ये तो ग्रैंड वाली ग्रैंड भाई, बट एक सेकंड ये हमारे शहर में क्या कर रहे हैं, एक सेकंड भाई यहाँ से जल्दी निकलो यार, एक सेकंड ये कहाँ से आ गए यहाँ पे भाई, यहाँ से जल्दी भागते गाइस एक सेकंड, बट यार ये तो यहाँ पे कैसे आ गए, एक सेकंड वो गायब भी हो गए थे भाई, ये तो ग्रैंड पाए भाई, यहाँ से जल्दी निकलो यार ये बहुत खतरनाक है। चलो भाई जल्दी चालू हो जाओ भाई बाइक, एक सेकंड अच्छा भाई ये बाइक चालू हो गई, नहीं तो भाई चार पांच किक के बाद चालू होती है, बट ठीक है जल्दी से भगाते अभी लेके चलते हैं डायरेक्ट घर पे भाई। बट यार वहाँ पे तो ग्रैंड पा, वहाँ पे मतलब ग्रैंड पा हमारी सिटी में आए कैसे वो मुझे नहीं समझ आ रहा, बट यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको यार, ये हमारी सिटी के लिए खतरा है। बट ठीक है अभी मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बोल देता हूँ कि वहाँ पे ना भाई ग्रैनी वाले ग्रैंड पा है, तो फिलहाल भाई उनको मना कर देता हूँ वहाँ पे मत जाओ, तो जल्दी से उसको कॉल लगाते पहले घर पहुंचते हैं। भाई अभी हम लोग घर पे तो आ चुका है और जल्दी से भाई उनको कॉल लगा के बोलते मना करते कि वहां पे मत जाओ, तो जल्दी से भाई अपने दोस्तों को कॉल लगाते अभी फिलहाल लग जाना उसकी कॉल, फिलहाल स्विच ऑफ बता रही थी बट ठीक है अभी कॉल लगा के देखते हैं। गाइस लग गई लग गई, हेलो हेलो। अरे हाँ भाई कब आएगा, तेरा इंतजार कर रहे कब से हम लोग भाई, यहाँ पे घूमने जा रहे तू आ रही नहीं है, आज हमारा प्लान था ना यहाँ पे हॉरर प्लेस में रुकने का। अबे कब से इंतजार कर रहे का क्या मतलब भाई, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मैं अभी अभी घर आया हूँ वहाँ से। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तेरा कब से इंतजार कर रहे थे, वहाँ पे खड़े हैं अभी हम लोग, जल्दी आ। अबे भाई वहाँ से जल्दी निकलो भाई, वहाँ पे ना ग्रैनी वाले ग्रैंड पे जल्दी निकलो। अबे क्या पागल हो गया है, सपना अपना देख रहा है क्या, अबे सो गया है तू, अबे अबे आजा जल्दी यार, सो मत जल्दी, उठ के आजा जल्दी। अबे पागल है क्या, सपना नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं वहाँ से आया हूँ अभी फिलहाल हॉरर प्लेस से, और वहाँ पे मेरे को ग्रैंड पा दिखे थे, जल्दी वहाँ से निकल। अबे चल ठीक है तू यहाँ पे मत, हम लोग यहाँ पे रुक रहे, चल भाई। अबे सुन हेलो, अबे हेलो कट कर दिया, अबे पागल, अबे यार ये तो नहीं मान रहा, चलो खैर अभी फिलहाल इनकी मर्जी, अभी हमको ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमारे सिटी के लिए कुछ खतरा हो सकता है, फिलहाल ये ग्रैंड पा ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो यार अभी तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो फिलहाल सो जाते हैं, कल सुबह देखते हैं इसका क्या करना है। वेट भाई ये यहाँ पे भी आके, एक सेकंड नहीं भाई एक सेकंड, ओ वेट भाई एक सेकंड, ओ
वेट कहाँ गया वो ग्रैंडपा? अबे वो यहाँ पे खड़ा था, अभी वो कहाँ गया? एक सेकंड भाई, मैं एक बार बाहर चेक करता हूँ, बट यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं दिख रहा। और वो यहाँ पे आया था भाई, मैंने देखा था, बट एक सेकंड, हम लोग शायद सोए हुए थे, शायद ये सपना वगैरह तो नहीं था ना, शायद मुझे लग रहा है सपना था क्योंकि हम लोग सो गए थे। और भाई आज हॉरर वगैरह सपने आ रहे हैं, बट ठीक है अभी सो जाते हैं, कल सुबह इस ग्रैंड पार्क को देखेंगे। तो चलो यार हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी फिलहाल हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी सिटी को बचाने के लिए उस ग्रैंड पार्क से। तो फिलहाल क्या करें, वो वेट यार एक सेकंड, एक काम करते हैं जल्दी से भाई पुलिस स्टेशन चलते हैं और ये सारा सीन भाई पुलिस वालों को बताते हैं। मुझे नहीं लगता भाई पुलिस वाले विश्वास भी फिलहाल करेंगे, क्योंकि दो तीन बार पुलिस वाले भी हॉरर प्लेस पे जा चुके हैं, अभी फिलहाल उनको तो कुछ नहीं मिला। अभी देखते फिलहाल अपनी बात का विश्वास करते हैं या फिर नहीं, फिलहाल सारा सीन बता। अरे फ्रैंकलिन यहाँ पे किसे आना हुआ? अरे सर कल ना मैंने वो जो हॉन्टेड प्लेस है ना हमारी सिटी में, वहाँ पे ना मैंने ग्रैनी वाले ग्रैंडपा को देखा था। अबे क्या बोल रहे हो, हम लोग तो वहाँ पे दो तीन बार जा चुके हैं, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, वहाँ पे हॉरर सीन होते हैं, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। अरे सर हम लोगों ने खुद देखा था वहाँ पे, एक भाई अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और साथ ही ग्रैनी वाले ग्रैंडपा को भी देखा था मैंने। ठीक है यार हमारी पुलिस वहाँ पे जाएगी आज रात को, चेक करेगी, अगर वहाँ पे सच में ग्रैंडपा दिखे इनको तो फिलहाल हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अरे यार बट यार इनकी भी बात सही यार, ये क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है अभी चलते हैं, अभी देखते हैं हमको ही कुछ करना पड़ेगा। हाय सर अभी हम लोग घर तो पहुंच चुके हैं, बट यार अभी हम लोग क्या करें क्योंकि इस चीज में ना हमारी पुलिस भी हेल्प नहीं कर सकती, पुलिस इस मामले में क्या ही कर सकती है, बट अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा। ओ वेट यार एक सेकंड, मेरे पास ना डोरेमोन का नंबर है, तो डोरेमोन को एक बार कॉल लगा के ना पूछता हूँ कि हम लोग भाई ग्रैंडपा को कैसे हरा सकते हैं, एक बार डोरेमोन का ना कॉल लगाता हूँ। तो चलो यार इसने कॉल तो उठा ली। हेलो। हेलो फ्रैंकलिन बोलो। अरे हेलो डोरेमोन, हमारे शहर में एक हॉरर प्लेस है और वहाँ पे ना मैंने कल रात को ना ग्रैनी वाले ग्रैंडपा को देखा था, तो कुछ तुम्हें आइडिया है कि हम लोग उसको कैसे हरा सकते हैं? मेरे को तो नहीं पता कि हम लोग उसको कैसे हरा सकते हैं, बट हाँ मैं तुमको एक सीक्रेट चीट कोड दूंगा, अगर तुमने वो आज ही स्टोर में डाला तो फिर तुमको आज ही स्टोर बताएगा कि ग्रैंडपा को हम लोग कैसे हरा सकते हैं। क्या बात कर रहा है भाई तू, वो सीक्रेट चीट को तो बता। अरे वो सीक्रेट चीट को मेरे को नहीं पता, बट तुम्हारे सिटी में लिखा हुआ है, बस उसकी लोकेशन मेरे को मालूम है। तो लोकेशन बताओ भाई, कहाँ लिखा हुआ है वो तो बता। अरे तुम्हारे शहर में जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे जो न्यू टावर वाली बिल्डिंग है ना, उसके सबसे टॉप फ्लोर पे लिखा है सीक्रेट चीट कोड। अच्छा चलो मैं समझ गया, ठीक है मैं जाता हूँ। तो गाइस मैं समझ गया कि कहाँ पड़ा है ये जो एयरपोर्ट के टॉप फ्लोर है ना, ये वहाँ पे सीक्रेट चीट कोड लिखा है, बट पर वहाँ पे जाने के लिए मुझे ना भाई एक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, एंड हेलीकॉप्टर मेरे को पता है कहाँ पड़ा है, हेलीकॉप्टर ना कंस्ट्रक्शन साइड में पड़ा रहता है, मैंने देखा था। तो गाइस आप जल्दी से चलते हैं वो हेलीकॉप्टर को लेने। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, अभी फिलहाल देखते वो हेलीकॉप्टर आज पड़ा भी है या फिर नहीं, अभी देखते हैं क्या। ओ वेट पड़ा है भाई, अच्छा वो आज पड़ा है, वरना कभी कभी यहाँ पे नहीं पड़ा रहता है, बट हाँ ठीक है आज पड़ा हुआ है। तो अभी डायरेक्ट इसको लेके चलते वो एयरपोर्ट के टावर वाली बिल्डिंग पे, लेट्स गो। तो चलो गाइस अभी हम लोग पहुंच ही चुके हैं एयरपोर्ट के टावर वाली बिल्डिंग के पास में, तो जल्दी से भाई इसके टावर के साइड में हमको उतरना है। तो रुको गाइस सही से लगाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर यहाँ पे, यहाँ तो फिलहाल एक काम करते हैं यहाँ से जंप मार देते, बट नहीं यार हेलीकॉप्टर को रुकाते आराम से, लेट्स गो। चलो गाइस फाइनली अपने को ये सीक्रेट चीट कोड मिल चुका है, तो जल्दी से भाई इसको अपने आर्जिस रूम में डालते हैं। चलो गाइस अभी अपने हेलीकॉप्टर को मैं भाई नीचे ला चुका हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग आर्जिस रूम में वो सीक्रेट चीट कोड डालने वाले, तो जल्दी से डालते हैं। गाइस मैंने अपने आर्जिस रूम में वो सीक्रेट चीट कोड डाल दिया, अभी टिक करते हैं। ओ वेट एक फोटो आया और लिखा है फाइंड द स्कैरी टीचर केमिकल, अबे ये कैसा नाम है केमिकल का, बट ठीक है अपने को इसको फाइंड करना है। बट यार कुछ हिंट तो दिया है, ओ वेट ये हिंट में तो रैंप दिखा रहे हो, ये रैंप ना भाई ये जो ट्रेन स्टेशन है ना उसके पास की ये लोकेशन लग रही है, तो फिलहाल चलते फटाफट से वहाँ पे देखते हैं। ये लग रहा है ये रैंप पार करना पड़ेगा, उसके फाइनल पॉइंट पे पड़ा होगा वो केमिकल, तो चलते फटाफट से। तो चलो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस न्यू रैंप के एंट्रेंस पे और हमको यहाँ पे उतरना, और वेट यार यहाँ पे तो एक जेडएक्स जो है पहले से ही पड़ी हुई है, तो चलो गाइस इसको लेके चलते हैं। और ये भी भाई ऐसा ऐसा रैंप नहीं है, अभी आगे देखते हैं और कौन सी डिफिकल्टी इस रैंप में आने वाली है। और भाई ये बहुत ही बड़ा मेगा रैंप है, बट एक सेकंड मैंने कुछ ज्यादा ही बाइक तेज में घुमा दी, पे यार पहले ही गिर गया यार, बताओ दोबारा ट्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने अपनी बाइक को ना धीरे कर दिया है, क्योंकि यार हम लोगों ने पिछली बार ना फास्ट की थी तो तभी जाके हम लोग नीचे गिर गए थे, बट ठीक है इस बार हम लोगों ने धीरे करके निकाल दी। बट एक सेकंड आगे ना भाई तीन चार पंखे लगे पड़े हैं, और ठीक है इनको भाई आराम से भाई हम लोग पार कर देंगे, लेट्स गो। इस बार तुम्हारे भाई ने पहली बार में ही इन पंखों को पार कर दिया, बट ठीक है अभी आगे और देखते कौन से चैलेंजेस आते हैं। ये जो गोल गोल रैंप घूमते हैं ना, इनका भाई बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, बट एक सेकंड
मैं गलत आ गया, गलत आ गया, एक सेकंड गलत हो गया सीन गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड, अबे नहीं, अबे भाई कोई बात नहीं, वापस करते हैं तो यार अभी इस बार ध्यान से करते हैं भाई। उस कंटेनर ने भाई मेरे को लगा भाई इस बार ही पंखा गिरा देगा, बट ठीक है निकल गए हम लोग। बाकी यार इस बार भी नहीं हुआ, ये कैसे भाई फास्ट भी घूम रहा है एक कंटेनर, भाई मुझे कोई आइडिया नहीं, वैसे तो आराम से हो जाता है पर एक सेकंड मेरे पास एक ट्रिक हो जाएगा, हो जाएगा इस बार, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, एक सेकंड। मैंने अपनी बाइक को स्पीड रखी है, लेट्स गो गाइस, इस पर क्या ही बचे हैं, लेट्स गो इस पर करते, अभी नहीं हुआ इस बार भी। मुझे लग रहा है कंटेनर ने बहुत नीचे लगा दिया है, एक कंटेनर ने बहुत ज्यादा नीचे लगा दिया है, शायद इसी वजह से हमारा ये पार नहीं हो रहा, बट ठीक है अभी हम लोगों ने आसानी से पार कर दिया ये जंप मार के। क्या पार गया है, मेरे को लगा इस बार भी हम लोग गिरेंगे बट नहीं, ये देखो एक कंटेनर ना थोड़ा नीचे लगा है इसलिए बार बार ये हमारा नहीं हो रहा था, बट ठीक है अभी फिलहाल जल्दी से करते। बट एक सेकेंड यहाँ पे तो बाइक फिसल रही है यार, टेढ़ी टाइल्स लगा के रखी है तो फिसलेगी ना बाइक। बाकी यार चलो यहाँ पे काफी ज्यादा पंखे लगा के रखे हैं सुला के, तेरी भैंस की एक ने पकड़ लिया मुझे भाई, ये नीचे गिरा देंगे भाई, वापस करना पड़ेगा, रुको यार कहाँ जाने में कंफ्यूज हो गया। चलो गाइस मैं समझ गया कहाँ जाने, बट एक सेकंड अभी नहीं, नहीं नहीं नीचे मत गिराना, ओके 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 बच गया बच गया, वरना भाई ये नीचे फेंक देता, बट ठीक है चलो भाई अभी इन पंखों को तो पार कर दिया, बट अभी और देखते और कौन से डिफिकल्टी आते हैं, बट एक सेकंड अबे आगे तो रास्ता ही नहीं है, अबे इतना बड़ी गैप पे भाई यहाँ से जंप देना था क्या। लो गाइस मुझे इतनी भी जोर से जंप नहीं देनी, मतलब थोड़ी सी धीरे से ही जंप देनी है, जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंच पे, लेट्स गो, रुक जा ओके। फाइनली हम लोगों ने ये वाली जंप सही से लगा दी है, बट एक सेकंड यहाँ पे तो काफी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है भाई, फिसलना मत भाई, काफी बार गिर चुका, बट हाँ अभी अगर मैं इस रैंप से गिरा तो मैं वापस पार नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने 5 से 6 बार इस रैंप से गिर चुका हूँ, बट हाँ अभी मैं गिरा तो भाई मैं इस रैंप को पार नहीं करने वाला, अब देखते क्या सीन होता है। चलो गाइस अभी शायद हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से मुझे ज्यादा जोर से जंप देनी है, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो केमिकल पड़ा है, लेट्स गो। चलो भाई हमको फाइनली ये केमिकल मिल चुका है, तो जल्दी से इसको कलेक्ट करके यूज करते हैं। तो चलो यार फ्रैंकलिन ने ना वो केमिकल उठा के यूज कर लिया है, अभी फिलहाल उससे कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा, बट एक सेकेंड ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे, हेलो ये क्या है भाई, ओ वेट भाई हमारा कैरेक्टर बन चुका है एक स्कैरी टीचर में भाई, और वो भी जाइंट वाला, और अभी हम लोग उस ग्रैंडपा को हराने वाले, लेट्स गो। अबे ये यहाँ पे है, चलो खैर छोड़ो अभी जल्दी से इसको फिनिश कर दे, आजा भाई फाइट करेगा। अबे कौन है तू, अबे कौन है चोर, ये ले तेरी ऐसी की तैसी। तो लेट्स गो गाइस हम लोगों ने फाइनली इसको हरा दिया है।